यूएन में भारत को बड़ी सफलता मिली, मगर यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के चुनावों में भारत की जगजीत पवाड़िया ने जीत हासिल की। पाकिस्तानी कौम की ईद भी तबाह बर्बाद कर दी है। अब कहने की बात यह है कि अब तो वो बोस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने इनको वी कैन चेंज द कॉम्प्लेक्शन। बड़ी बात यह है कि भारत को इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के 53 वोटिंग सदस्यों में से 41 वोट मिले। पहले ये कौम दुखी है, पहले ये कौम परेशान है, पहले कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती। पाकिस्तान और मुसलमान मर्द जो है 4 शादी और 72 हूरों के बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, और इनको एक बीवी नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 यहाँ चाहिए और 72 जन्नत में चाहिए। ठीक है, मैं भारत में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से खुश हूँ, कोलोनियलिज्म का, हिंदुओं के हॉलोकॉस्ट का, जो बदला ले रहे हैं तालीम के साथ, मैं उस पर खुश हूँ, क्योंकि हम तो ये लेने की सलाहियत नहीं रखते। अगर हिंदुइज्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, वो एक ही करते, वो कहते हैं ये 7 जन्म तक हमारी बीवी है। पाकिस्तानी कहते हैं मुसलमान के 4 इधर करनी है, 72 जन्नत में चाहिए। वो तो अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ ना जी, उधर 72 हूरों को। मुझे सिर्फ ऑब्जेक्शन ये है टू डिले कि हम उनको बता रहे हैं कि हाँ दे मेक अ डिफरेंस। आप भी तो गाजा ही बन चुके हैं, एक साइड पे पठान भाई मार रहे हैं, दूसरी साइड पे ईरानी भी तैयार है, तीसरी साइड पे उधर से भी नारा जंग है कि घुस के मारेंगे। मेरे ख्याल से मर्द को इजाजत है कि वो टका के 4 शादियां करे। आपने कितनी की है अभी तक? मैंने तो अभी तक 0 की है। तो एक ने 4? जी बिल्कुल 4। अच्छा 4 क्यों करनी चाहिए? क्योंकि मर्द है। तो एक करने से मर्द की मर्दानगी का पता नहीं लगेगा? नहीं, 4 करने से पता लगेगा। अगर हम इस्लाम की बात करें और दूसरी तरफ हिंदू धर्म की बात करें, वो एक बीवी के साथ शादी करते कहते हैं ये 7 जन्मों तक हमारी पत्नी रहेगी, और हमारे हाँ वाले कहते हैं कि 4 इधर भी करनी है और 72 उधर भी मिलनी है हमें। देखें, इस्लाम को मजाक ना बनाएं। हाँ ठीक है, कॉन्सेप्ट है कि 4 ही करनी है। नहीं नहीं, देखें अल्लाह पाक ने मर्द को हकूक दिए हैं। ठीक है, पहली बीवी फौत हो जाती है या नहीं निभा हो सकता, तो वो दूसरी कर सकता, कंडीशंस आ गई ना, दूसरी भी कर सकता है, तीसरी भी कर सकता है। लेकिन वही है कि अपनी लिमिट देख के, अपने हकूक की तो पासदारी देख के बात हो, तो जो बिलियनेयर है वो 4-4 क्यों नहीं करते? वो तो एक ही करते हैं। वो देखो सब अपनी उस पर है, माइंड है हर एक का, अपना अपना अटैचमेंट है या दिली और माइंड होता है हर एक बंदे का। हाँ। अगर वो दूसरी करना चाहता है तो इस्लाम में इजाजत है, कोई गुनाह नहीं, करनी चाहिए। औरतें बर्दाश्त कर लेती हैं? पहली बात तो ये है कि दूसरी बीवी अगर इजाजत देती है, उसकी मौजूदगी में कर रहे हैं तो कर सकते हैं, अगर इजाजत ना दे तो फिर ना करें। फिर कोशिश कर यही करनी चाहिए कि सुलह रहमी से गुजारा किया जाए। 4 शादियां ही क्यों करनी है? तो 4 ना करें, 2 कर लें। 2 ही क्यों करनी है? एक से नहीं गुजारा हो रहा? एक से सही हो रहा है ना गुजारा मेरा, तो हो रहा है। आपने एक ही किया है? हाँ। दूसरी, तीसरी, चौथी? नहीं नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे तमन्ना ही नहीं रही। हाँ। एक बार कहीं मैं फुल हो गया। वो क्यों? वो इतना मुझे अपना, जब मैं घर जाता हूँ मुझे गर्दन से पकड़ लेती है वो, उसके बाद फिर डे मार 4:30 डम डम डम, मैं उसे कहता हूँ और मार, वो मारती नहीं। अच्छा, रेसलर से तो शादी नहीं कर ली? नहीं नहीं, देखें ये प्यार बढ़ता है मार खाने से। हाँ। एडवाइस कर दे कि बीवी से रोज मार खाया करे। नहीं, रोज नहीं खानी चाहिए, जब वो मारे उसे मारने देना चाहिए। हाँ। वो रब मार रहा होता है अगर कोई समझे तो। हाँ। तो कितने टाइम आपको मार पड़ती है बीवी से? वैसे तो 3-4 टाइम इनको पढ़नी चाहिए। हाँ। हाँ। जैसे इनके हालात है। हाँ। नाश्ता तो बड़ा मांगते हैं। जान कैसे छूटती है? वो गर्दन से आपकी बीवी आपको पकड़ लेती है क्या? छोड़ देती, मंत्र मुंत्र पढ़ के छोड़ देती। मैं उसे कहता हूँ मारो, वो मुझे थक जाती। फिर क्यों नहीं हम सोचते कि हम पढ़े लिखे? सबसे बड़ी बात, मैं आज गारंटी कर गाजा का सलूशन मैं आज बता देता हूं। गाजा का सलूशन है, मैं कहता हूं इन फलस्तीनियों को चाहिए कि जिस तरह इजराइल कहता है वैसे कर लें, सर नीचे करके 20 साल अपने बच्चों को मैथ पढ़ा लें, इंग्लिश पढ़ा लें, अपनी कामयाबी के साथ ये रिवेंज ले लें। मैं भारत में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से खुश हूं, कोलोनियलिज्म का, हिंदुओं के हॉलोकॉस्ट का, जो बदला ले रहे हैं तालीम के साथ, मैं उस पर खुश हूं, क्योंकि हम तो ये लेने की सलाहियत नहीं रखते। हमारे लिए तो हमें बताया जाता है हमारा हीरो गौरी है, अब्दाली है, फलाना है, गजनी है, जो कि नहीं है। मैं तो नहीं उनको हीरो मानता, ओप्रेसर थे, हमें इन्वेडर थे, मारते रहे, हमारा कल्चर तबाह कर दिया उन्होंने, हमारी आइडेंटिटी खत्म कर दी।
लेकिन भारत ने लिया बदला, मैं खुश हूं इस पे, भारतीयों पे खुश हूं इस बात पे। मेरी नजर में भारत को चाहिए कि अपना सर नीचे करके तरक्की की तरफ जाता रहे। मैं उनका जो नया आइडिया जो उनका है, बल्कि जो दो लोगों ने उस पे बात की थी, मोदी जी ने बिल गेट के साथ बैठ के बात की थी कि डिजिटल रेवोल्यूशन में भारत तरक्की करना चाहता है, आगे जाना चाहता है, पहले भी उनकी लीड मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट और इस वक्त गूगल वालों ने जो सीईओ जो भारतीय हैं उन्होंने जो वादा किया है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्पेशलिस्ट पैदा करेंगे और भारत उसमें लीड करना चाहता है, मेरे ख्याल में उसको फोकस रखना चाहिए। टेक योर सक्सेस इज द रिवेंज फ्रॉम द वर्ल्ड, दिस इज आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी, ये सबसे बड़ा इंतकाम होता है। और मैं दैट्स व्हाट आई बिलीव इन, और मैं चाहूंगा कि पाकिस्तानी और मुसलमान बच्चे भी जो इस वक्त दुनिया में जलीलो ख्वार, मैं इस पे एक और ऐड भी चीज करना चाहूंगा। मैंने एक दफा एक अपने ज्यूइश फ्रेंड से यहां पूछा, मैंने कहा यार आर यू जेनेटिकली सुपीरियर देन द अदर ह्यूमंस, आर यू हाउ यू गाइस हैव कम टू दिस लेवल कि 15 मिलियन लोग इस वक्त पूरी दुनिया को चला रहे हैं, हाउ इट इज। उसने एक बड़ी मजे की बात बताई, डॉक्टर था खुद, आरजू आज से ये 25-20 है, उसने मुझे पहले की बात है, उसने मुझे कहा कि हम जितना हम इस दुनिया में जलीलो ख्वार हुए हैं, कोई भी कौम इतना जलीलो ख्वार होगी तो वो तरक्की कर जाएगी। मेरा ख्याल है कि मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं 2 बिलियन, मैं तो खैर बड़े अरसे से पाकिस्तान के लिए भी यही समझता था कि अब इससे नीचे नहीं जाएगा, इसके बाद रिबाउंड पे आके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से मैं समझ रहा हूं कि आज अगर देखें 33-34 हज़ार इस वक्त मारे जा चुके हैं फलस्तीनी, और हर कंट्री के वो तो वहां मारे जा चुके हैं, आप पाकिस्तान के हालात देख लेना, आप अपने आप हालात देख, जितनी महंगाई होगी आपके मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, डाके बढ़ेंगे, एक दूसरे पढ़ भी रहे सर, पढ़ रहे हैं, दूसरा गोश्त खाएंगे। लेकिन इसमें मैं यही कहता हूं कि अब इससे आगे जाने की गुंजाइश नहीं है, तो खुदा रा टर्न ले, आपकी बचत सिर्फ और इंग्लिश और मैथ में है, और इसके उसके अलावा कोई आपके पास तीसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है बिल्कुल। और इसमें मैं बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि सर नीचा करके आप तरक्की की तरफ जाए, तरक्की की तरफ जाए, तरक्की। जब आपकी इकॉनमी 8.4% पे ग्रो करेगी, 10% पे ग्रो करेगी, दैट्स द बेस्ट रिवेंज यू कैन पॉसिबली टेक फ्रॉम द वर्ल्ड। तो लेकिन अब ये इसमें सोच ये है, क्योंकि उसमें कुछ कारोबारी लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को कारोबार बना रखा है, फिर वो क्या करेंगे, उनके तो भी कारोबार। देखिए पाकिस्तान के अंदर सबसे सक्सेसफुल कामयाब कारोबार कौन सा है इस वक्त, आपको पता है कि कारोबार से आपकी फौज, एस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी सारी डरती है, वो क्या कारोबार है, मदरसे का कारोबार। मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त ताकतवर तरीन है, मुर्शद ने जेल के अंदर से बैठ के कहा उससे बात करो, क्योंकि बच्चे सड़कों पर लाने की सलाहियत रखते हैं। वो जब अपने बच्चे लेकर इस्लामाबाद पहुंचता है मदरसों के, तो पाकिस्तान की जड़ें हिल जाती हैं। देखें कितना खूबसूरत कारोबार सर, वो तो टीएलपी भी है और भी कई ऐसी पार्टीज हैं जो बना रखी है इन्होंने। आज मैं उसमें अगली स्टेज पे जाना चाहूंगा, मैं खासकर चाहूंगा कि खुदा करे कि को पाकिस्तान को इमरान खान साहब ऐसा लीडर मिले, लेकिन पॉजिटिव साइड,